इस एनिमे को देखने से पहले मैं आईएमडीबी के ऊपर गया, मैंने इसके बारे में सर्च किया और मैंने वहां पाया कि जो ये वाली सीरीज है इसको बहुत ज्यादा वोट मिले हुए हैं, यानी बहुत क्या सबसे ज्यादा वोट इसी को मिले हुए हैं हॉरर के जोनर के अंदर। मतलब वहां से मुझे इसको देखने की और उत्सुकता बढ़ गई। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एरफोन रिटो एनिमे सीरीज के बारे में, शायद मैंने इसका नाम सही से लिया हो। टोटल इसके अंदर 13 एपिसोड है और मैंने आज तक कभी इतनी ज्यादा वॉयलेंस वाली एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी नहीं देखी जितना वॉयलेंस इसके अंदर है। इसके हर एक एपिसोड में इंसानों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं और केवल इतना ही नहीं, उनको बहुत ज्यादा बेरहमी के साथ उनके हाथ अलग हो रहे हैं, उनकी गर्दन अलग हो रही है, उनका शरीर का हर एक हिस्सा अलग किया जा रहा है। तो अगर इसकी कहानी के बारे में बात करूं तो एक बीमारी है वो फैल रही है लोगों के बीच में, जिससे लोगों के सिंग आ रहे हैं, उस बीमारी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और इस बीमारी के कारण लोगों के पास एक पावर भी आ रही है। एक तरीके से आप इसको म्यूटेंट के तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक्समैन में दिखाया गया था, लेकिन एक्समैन के अंदर पावर्स अलग अलग होती थी, लेकिन इस सीरीज के अंदर, इस एनिमे के अंदर पावर एक जैसी रहती है। इसमें पावर जो होती है वो किसी के पास, मतलब इन सब के पास, जिनके पास भी ये जो वायरस होता है, इन्होंने जो वायरस नाम दिया है, मैं तो उनको एक तरीके से म्यूटेंट ही कहूंगा क्योंकि उनके शरीर में कुछ बदलाव होता है। तो जो म्यूटेंट होते हैं इनके पास एक ही पावर ये होती है कि ये इनके पास इनविजिबल हैंड्स होते हैं, और इनविजिबल हैंड्स का मतलब है कि वो अपने शरीर के अंदर से ऐसे लंबे लंबे हाथ निकाल सकते हैं, और इनकी लेंथ जो होती है वो किसी की 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 11 मीटर ऐसे हो सकती है, और नंबर ऑफ हैंड्स भी वेरिएंट, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, किसी के पास 4 हैं, 2 हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा हैं। वो जब आप एनिमे सीरीज देखोगे तभी आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरा काम ये तो नहीं है ना कि आपको पूरे डिटेल से चीजें बताऊं, ये भी सारी चीजें इसलिए बताई ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए इसके अंदर। तो इन म्यूटेंट को पकड़कर एक लैब में रखा जा रहा है ताकि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक वैक्सीन बनाई जा सके और इस वायरस को खत्म किया जा सके, और वहीं पर एक एनिमे करेक्टर, एक तरीके से एक म्यूटेंट जो है, लूशी उसका नाम होता है, वो उस लैब से वो भागने में कामयाब हो जाती है, और ये जाके मिलती है 2 टीनेजर से, शहर में जाके 2 टीनेजर से मिलती है। और जो इसका 2 टीनेजर से मिलना, यहां पर जो चीज, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाया, जो ये जानती थी कि 2 टीनेजर कौन है, और ये जो 2 टीनेजर इसको भूल चुके थे, इस लूशी को भूल चुके थे, जो इसमें 2 टीनेजर्स में एक लड़का होता है और उसकी, जिस लड़के का नाम होता है कूडो, और इस कूडो की कजन होती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो कूडो को, मतलब उसकी मेमोरी एक तरीके से मिट चुकी होती है, उसको पता होता है कि लूसी कौन है। ये आपको जब एनिमे में आप आगे चलोगे तब आपको पता चल जाएगा, बट लूसी को भी नहीं पता होता कि कौन है, क्योंकि इन दोनों की याददाश्त काफी ज्यादा मिट चुकी थी। धीरे धीरे इन दोनों को याद आता है कि ये बचपन में एक साथ, मैं शायद स्पॉइलर देने की कोशिश करूं, खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब लैब वाले अपने एक्सपेरिमेंट को इतने आसानी से तो जाने देंगे नहीं, तो उसको पकड़ने के लिए एक सोल्जर्स की एक टीम भेजते हैं, साथ ही साथ म्यूटेंट भी भेजते हैं ताकि इसको पकड़ के लाया जा सके। और केवल इसके अंदर म्यूटेंट का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया गया, इसमें सीरियल किलर का भी एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, और जो बहुत ज्यादा हॉरर क्रिएट करता है इस एनिमे सीरीज में, उसका अंदाजा आपको इसके फर्स्ट एपिसोड से ही पता चल जाएगा। इसका फर्स्ट एपिसोड ही जब देखोगे ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इतना ज्यादा वॉयलेंस है उसके अंदर। लेकिन साथ ही साथ इसकी स्टोरी के ऊपर, इसके एनिमेशन के ऊपर काफी ज्यादा वर्क किया गया है हमें, मतलब केवल वॉयलेंस ही नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी भी इसमें देखने को मिलती है। और जब इसको बहुत ज्यादा वोट मिले हैं आईएमडीबी के ऊपर हॉरर जोनर में, तो मैं अगर बात करूं हॉरर कितना है, तो हां, लूसी का जो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है इसके अंदर, काफी इसको एक पर्सनैलिटी ऐसी कि इसको कुछ याद नहीं है कौन है, एक पल याद आता है कि एक डिफरेंट ही टाइप की एक लड़की है जो लोगों को मारना चाहती है, और एक बिल्कुल इनोसेंट सी, बहुत प्यारी सी, जो हेल्प करना चाहती है, तो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी में देखने को मिलती है, और ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अब देखो यार, मुझे एनिमे सीरीज की सबसे अच्छी बात यही लगती है, जैसे मैंने अपनी पिछली वाली वीडियोज में बता रखे, कि इसके अंदर, एनिमे सीरीज के अंदर हमें बताया जाता है कि ये जो करेक्टर है, जो भी बुरा करेक्टर है, जो भी नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में स्टोरी बताकर, उसके फ्लैशबैक में जाकर, वो बुरा क्यों बना, क्या रीजन थे, ये सब चीजें हमें बताई जाती है ना, हमें उससे भी प्यार हो जाता है, उसके बारे में जानते हैं, यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये सब चीजें थी जो, ये सब मतलब इसके अंदर इतना बिहेवियर में चेंज हुआ, हाँ ये कमाल की चीज होती है। मतलब कि इसमें हर एक एनिमे करेक्टर के बारे में आपको फ्लैशबैक में जाकर बताकर आपको उससे अच्छे से कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसमें एक लव स्टोरी का भी एक छोटा मोटा एंगल आपको लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है इसके अंदर। अब अगर इसके कुछ नेगेटिव चीजों की बात करूं, तो नेगेटिव चीज मुझे इसके अंदर यह लगी कि जब इसमें म्यूटेंट का कॉन्सेप्ट इन्होंने घुसेड़ दिया था, तो इसमें म्यूटेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही म्यूटेंट हमें देखने को मिले। अरे कुछ अच्छे खासे और म्यूटेंट दिखा देते। पर इस एनिमे सीरीज के अंदर न्यूडिटी तो भाई सब हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा का मतलब इसके हर एक एपिसोड में भरी की पड़ी है। अब ये नहीं है केवल इन्होंने न्यूडिटी दिखाई है इसके ऊपर फोकस किया, नहीं, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। इसमें स्टोरी, एनिमेशन, जो हॉरर है, सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया, और इसमें न्यूडिटी न्यूडिटी दिखाई गई है केवल और सिर्फ, केवल वही
कोई सेक्सुअल सीन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जो काफी अच्छी चीज है। मतलब क्या मतलब तुम समझ रहे हो ना, मैं मेरा कहने का मतलब कुछ और है। तो मेरी तरफ से इस एनिमे सीरीज को मैं देना चाहूंगा 7.5 out of 10 स्टार। देखो, अगर तुम लोग 18 से ऊपर और तुम्हें ऐसी सीरीज देखना पसंद है जिसके अंदर मतलब ऐसी चीजें कंटेंट है, तो तुम शायद देख सकते हो। और अगर किसी ने सीरीज देख रखी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को एनिमे सीरीज कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।